अब मैं मित्रों एक सुखद सूचना आपको दे रहा हूँ। हमारे बीच में हिंदी की मूर्धन्य कथा लेखिका नीरजा माधव जी बैठी हैं और भारत सरकार ने इनको राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की का ट्रस्टी मनोनीत किया है और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग ताली बजा कर इनका स्वागत कीजिए। पूरे देश में 14 लोग मनोनीत किए गए हैं जिसमें हमारे बनारस की लेखिका डॉक्टर नीरजा माधव भी हैं। मैं आपका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नीरजा जी बहुत अच्छी लेखिका हैं, आप लोग पढ़ते रहते हैं और राष्ट्रीय चेतना की बात हम कर रहे हैं, राष्ट्रीय चेतना आप अपनी कहानियों में जीती हैं। इनका एक उपन्यास बहुत अच्छा है तेभ्य स्वधा, जो कोर्स में चलता भी है अग्रसेन महिला कॉलेज में। वह टोटल उपन्यास शुरू से लेकर अंत तक राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है। इस तरह की कहानियां और भी इनकी हैं जिसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। ऐसी भारत हिंदी जगत की गौरव, भारत के रत्न और वाराणसी की तो क्या कहें, बनारस को तो इन पर गर्व है। मैं आपको आहूत करता हूँ, आप आएं और हो सके तो प्रेमचंद के आगे की कहानियों में राष्ट्रीय चेतना दिखाने की कोशिश करें। डॉक्टर नीरजा माधव जी, परम पूज्य भिक्खु संघ, जो हमारे छोटे भाई बहनों की तरह से हैं, तिब्बती विश्वविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक गण, सुचेता शर्मा और मंच पर आसीन विद्वान प्रोफेसर कुमार पंकज जी, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र जी, प्रोफेसर पांडे जी और कुशल संचालन कर रहे डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी, सभागार में हमारे सामने धर्मदत्त चतुर्वेदी जी हैं, विवेकानंद तिवारी हैं, रामजी सिंह हैं, आर के मिश्रा जी हैं, सभी लोग एक आत्मीय भाव के साथ हम सब एक दूसरे को जानते हैं। आज वही बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि अगर बाबूराम त्रिपाठी जी ने प्रेम कथा पर संगोष्ठी रखी होती, विवाहेतर संबंध पर संगोष्ठी रखी होती, अश्लील लेखन पर गोष्ठी रखी होती या साहित्य में अपशब्दों के प्रयोग पर गोष्ठी रखी होती, तो तमाम लेखक, लिखने वाले सक्रिय लेखक हमारे सामने होते, हम उनके उद्धरण धनाधन सबके सामने रख रहे होते। लेकिन राष्ट्रीय चेतना पर इन्होंने संगोष्ठी रखी तो कहीं ना कहीं से हम सब चूहा दौड़ ही करने लगे प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद तक। मैं यही बैठे बैठे सोच रही थी कि प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से भारत भारती सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान है, मिलता है। कहाँ गए वो सब लेखक? क्या राष्ट्रीय चिंता उनकी चिंता नहीं है, उनके लेखन की चिंता नहीं है? प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी से नवाजे जाने वाले वो लेखक कहाँ गए? क्या उनमें राष्ट्रीय चिंता नहीं है, राष्ट्रीय चेतना नहीं है? ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले लोग कहाँ गए? उनका लेखन कहाँ है जिनमें हम राष्ट्रीय चिंता या राष्ट्रीय चेतना ढूंढ सकें? हो सकता है कि हो, आजादी के बाद या प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद के बाद के लेखकों में भी हो, हो सकता है हमारी दृष्टि से वो कहानियां ना गुजरी हो। थोड़ा सा शांति बनाए रखें प्लीज, आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखें। फ्रूटी तो हम लोग बाद में भी पी लेंगे सब लोग। मैं चूहा दौड़ की बात कर रही थी कि क्या कारण है कि हम घूम फिर कर प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद या गुलेरी तक सिमट के रह जा रहे हैं, उसके बाद के लेखकों तक नहीं आ पा रहे हैं? क्या
कहानियों में, आज की कहानियों में या 60 के बाद की कहानियों में राष्ट्रीय चेतना का अभाव दिखाई देता है, या राष्ट्रीय चेतना को हम समझने में कहीं से कमजोर हुए हैं। हमारे विद्वान प्रोफेसर अभि कुमार पंकज जी इस पर बहुत विस्तार से प्रकाश डालेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। मेरे साथ कई तरह के विडंबनाएं हैं। एक विडंबना ये है, आप लोगों को मैं आश्वस्त कर दूं कि कहानी, पूरी कहानी का सारांश मैं आपको नहीं बताने जा रही। मैं किसी विदेशी लेखक को कोट नहीं करने जा रही, क्योंकि विदेशी साहित्य पढ़ते पढ़ते विदेशी लेखकों को बहुत पढ़ा हमने। अंग्रेजी साहित्य में मैंने PhD की, इसलिए विदेशी लेखकों से, विदेशी कोटेशन से थोड़ा मैं परहेज करती हूँ। और जब आईना अपने सामने आ जाता है तो चेहरा अपना अच्छी तरह से दिखाई देने लगता है, इसलिए जब विदेशी साहित्य आप पढ़ लीजिए तो अपने साहित्य की जो ललक होती है, जो विशेषता होती है, वो अच्छी तरह समझ में आने लगती है। इसलिए आप लोगों को मैं आश्वस्त करती हूँ कि अपने राष्ट्रीय लेखकों को ही मैं कोट करूंगी, अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो, आवश्यकता पड़ी तो विदेशी किसी लेखक को मैं आपके सामने रखूंगी, अन्यथा राष्ट्रीय लेखकों से काम चल जाएगा। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, जब हम राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं, भारत राष्ट्र की बात करते हैं, तो मन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है कि क्या केवल राष्ट्र के लिए मर मिटने वाली ही राष्ट्रीय चेतना हुआ करती है, या प्रत्यक्ष रूप से जब हम राष्ट्र के साथ जुड़कर कोई अपना क्रियाकलाप करते हैं, दिखाते हैं, समाज के सामने रखते हैं, तभी हम राष्ट्रीय होते हैं। क्या जब हम राष्ट्र की तमाम विसंगतियों के बारे में लिख रहे होते हैं, हमारे अपने शिल्पकारों के बारे में लिख रहे होते हैं, हम अपनी गरीबी कुंठा के बारे में लिख रहे होते हैं, तो क्या हम राष्ट्रीय नहीं होते हैं? राष्ट्रीय उस समय भी होते हैं, राष्ट्र की चिंता उस समय भी हमारे अंदर होती है, उमड़ घुमड़ रही होती है, तभी हम कोई एक रचना दे पाते हैं, कोई एक कहानी दे पाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय चेतना की जब हम बात करते हैं तो किसी एक राष्ट्र के साथ हम बंधते हैं। तिब्बती विश्वविद्यालय में बच्चे सभी लोग वो कहानी जान रहे होंगे, जब मैं तिब्बती शरणार्थियों के ऊपर गेशे जम्पा उपन्यास अपना लिख रही थी, तो एक उसमें छोटी सी घटना का मैंने उल्लेख किया कहानी का, कि जिन सन्यासी था वो अपनी तपस्या में लीन था, रात के पूर्णिमा की चांदनी बिखरी हुई थी, रात में एक चोर उस सन्यासी के कुटिया में आता है और वो निराश होकर फिर जाने लगता है, तो सन्यासी बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि आपकी कुटिया में कुछ मिला ही नहीं, मैं जा रहा हूँ निराश होकर। तो वो सन्यासी कहता है कि क्या करूँ, मेरे पास देने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मन में तो इच्छा है कि मैं तुमको ये पूर्णिमा का चांद दे दूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरों को नहीं दी जा सकती, ऐसी ही एक चीज होती है जन्मभूमि भी। तो जन्मभूमि के साथ जो जुड़ने की बात है, एक भूखंड नहीं होती है वो जन्मभूमि। जब हम भारत राष्ट्र कहते हैं तो भारत राष्ट्र एक युग्म शब्द है, भारत राष्ट्र कहते ही तमाम विश्व राष्ट्रों के बीच में अपनी परंपरा, अपने इतिहास बोध, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के साथ एक जो राष्ट्र हमारे सामने मूर्तमान होता है वह भारत राष्ट्र होता है, जो उसकी अस्मिता है, जो उसकी परंपरा है, जो उसका इतिहास है, जो उसकी संस्कृति है, जो उसकी भाषा है, उसके कारण उसकी जो विशिष्टता बनती है वह भारत राष्ट्र हमारे जहन में आता है। और उसी भारत राष्ट्र की परिकल्पना, या दूसरे देश जो है वो अपने राष्ट्र की बात करेंगे, हम अभी भारत राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमारी जो वैदिक मनीषा है उसमें भी राष्ट्र की जो परिकल्पना की गई, वैदिक ऋषि कहता है कि अहम सुवीरम राष्ट्रम धारयामि, या वैदिक नारी कहती है हम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, मैं राष्ट्र को बांधने वाली शक्ति हूँ। यजुर्वेद का एक मंत्र है, पता नहीं गलत होगा तो धर्मदत्त चतुर्वेदी जी सुधार देंगे, आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतम राष्ट्रीय राजन्य, अर्थात हमारे राष्ट्र में अस्त्र शस्त्र में निपुण और प्रबुद्ध सैनिक पैदा होते रहें। क्यों सैनिकों की बात करता है ये हमारा वेद यजुर्वेद? इसलिए कि जब राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित होंगी और वह सुरक्षा हमारा सैनिक करता है, तब हम राष्ट्र के भीतर रहते हुए, निश्चिंत रहते हुए अन्य सारी विसंगतियों पर विचार कर सकते हैं। इसलिए जो फर्स्ट हैंड, जिसको कहते हैं कि भावना है जो
चेतना है राष्ट्र की, वह सीधे सीधे राष्ट्र की सीमाओं से, राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ती है, अपनी जन्मभूमि से जुड़ती है, अपनी अस्मिता से जुड़ती है। अब यहाँ पर ये राष्ट्रवाद की बातों से आप इसको जोड़ सकते हैं कि राष्ट्रवाद की बातें हो रही हैं, लेकिन ये राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जो प्रकृति की तरह से चुपचाप पड़ी रहती है, पड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही जब हम प्रकृति को छेड़छाड़ प्रकृति के साथ करते हैं तो प्रकृति आक्रामक हो उठती है, तमाम तरह की विभीषिकाएं हमारे सामने आती हैं। उसी तरह से ये जो राष्ट्रीयता की चेतना है, राष्ट्रवादी जो भावना है, उस पर उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है, और राष्ट्र के बारे में बता चुके हम कि हाँ राष्ट्र की पहचान किससे किससे है, तो जब उस पर कोई आघात पहुंचता है तो प्रकृति की तरह से ही राष्ट्रीय चेतना भी आहत होती है, आक्रामक हो जाती है। उसके बाद यहां पर एक विदेशी विद्वान है राल्फ लिंटन, राल्फ लिंटन को मैं कोट करना चाहूंगी। वो कहता है कि जब किसी एक संस्कृति पर किसी दूसरी संस्कृति का दबाव पड़ता है और जो दबी हुई संस्कृति है या जिसके ऊपर आघात हो रहा है उसे अपनी अस्मिता संकट में नजर आती है, तो वह तमाम तरह से स्वदेशी माध्यमों से अपनी अस्मिता को प्रकट करने के लिए लालायित होती है, और वही राष्ट्रवाद की भावना है। यानी जब तक दूसरी संस्कृति के साथ कोई टकराहट नहीं होगी, यह राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय भावना हमारी प्रकृति की तरह स्थिर रहती है, हमारा पोषण करती रहती है, उसको कहीं से हम आक्रामक नहीं पाते हैं। तो यानी दो संस्कृतियों की टकराहट होने पर हम राष्ट्रीयता हमारे भीतर जागती है। टैगोर जी भी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य में कहते हैं, बातें बिखरी बिखरी हो सकती हैं लेकिन फिर भी राष्ट्रीय चेतना के इर्द गिर्द ही मैं आप ये बातें कर रही हूं, और कहानियों पर मैं अभी आऊंगी और बहुत संक्षेप में कहानियों पर बात करूंगी, कहानियों को विस्तार से नहीं बताऊंगी। तो टैगोर कहते हैं कि शिक्षा का जो उच्चतम आदर्श है, उद्देश्य है, वह है देश सेवा करने वाले नागरिक तैयार करना। यानी टैगोर भी इसी बात को मानते हैं, महात्मा गांधी भी मानते हैं, स्वामी विवेकानंद भी शिक्षा के उच्चतर उद्देश्य को यही मानते हैं कि राष्ट्रभक्तों को तैयार करना, राष्ट्रभक्त नागरिकों को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य है। आज हम क्या स्थिति देखते हैं, क्यों हमारी राष्ट्रीय चेतना आहत होती है, क्यों हमारी राष्ट्रीय भावना आहत होती है, जब हम किसी विश्वविद्यालय के प्रांगण से यह सुनते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो कहीं ना कहीं से जो हमारे भीतर सोया हुआ राष्ट्रीय भाव है वो आहत होता है, हम विचलित होते हैं। कैसे किसी ने इतनी हिम्मत कर ली, जिस देश में हम रहते हैं, जिससे हमारी पहचान है, जो हमारी भाषा का पोषक है, जो हमारी संस्कृति का पोषक है, उस देश के टुकड़े करने की हिम्मत किसने कर ली, क्यों कर ली, कैसे कर ली, किसने उसके ये उसे ये पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाने का कार्य किसका होता है विद्या प्रांगण में, तब वहां पर आकर यह जो भावना होती है वह अपने पूरे उसके साथ राष्ट्रीय चेतना को, तब हम समझ पाते हैं कि ये जो ये विचलन था हमारे भीतर का कि जो किसी के विरोध करते ही, किसी के विद्रोह करते ही जो हमारी भावना विचलित हुई, आहत हुई, हम उद्वेलित हुए, वही मुख्य रूप से राष्ट्रीय चेतना है, वही हमारी राष्ट्रीय भावना है। हम अपने राष्ट्र के टुकड़े होते देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और इस तरह की कल्पना करने वाले को हम राष्ट्रद्रोही की संज्ञा में रखते हैं। ये मुख्य रूप से विषय है। अब ये विषय हमारे आज के साहित्य में कितना आ पाता है, कहानियों में आ पाता है, कविताओं में आ पाता है, उपन्यासों में आ पाता है, नहीं आ पाता है, यह दूसरा प्रश्न है विचार का। साहित्य के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन में जो भी लड़ाई लड़ी गई उसमें स्त्रियों का भी योगदान रहा, पुरुषों का भी योगदान रहा। यहाँ पर अपने जो हमारे भाई हैं, यहाँ पर पता नहीं हिंदी साहित्य उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें समझ में आएंगी कि किस किस तरह के तिकड़म भी होते रहे साहित्य में। 19वीं सदी जो है उसमें 1857 से 1947 तक का एक महत्वपूर्ण कालखंड है हमारे स्वाधीनता आंदोलन का, 90 वर्ष का, उसमें स्त्री पुरुष दोनों ही साहित्यकार, चाहे स्त्री रही हो चाहे पुरुष रहे हो, दोनों ने अपना सक्रिय योगदान दिया अपने लेखन के माध्यम से। कुछ एक को हम लोगों ने अभी सुना, प्रेमचंद जी ने लिखा,
जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, हम आनंद मठ भूल गए, हम भारत दुर्दशा भूल गए, भारतेंदु जी ने भी लिखा और बंकिम चंद जी ने भी, और बहुत सारे जो लेखक थे, हम इतिहास जब पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं। एक बार मुझे भोपाल में बुलाया गया पावस व्याख्यान माला में व्याख्यान देने के लिए, और इसी 1857 से 1947 के बीच स्त्री रचनाकारों के ऊपर बोलना था। वहां पर जो बीज वक्तव्य दे रहे थे, एक बहुत क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्तित्व, तो मैंने सोचा कि वो कुछ तो स्त्रियों के नाम लेंगे। लक्ष्मीबाई को छोड़कर किसी एक स्त्री का नाम वो नहीं ले सके थे, इसलिए कि इतनी जहमत उठाने कौन जाए। स्त्रियों ने भी लिखा था कि नहीं लिखा था। उसी समय मेरी आदत है कि थोड़ा बहुत कुछ कुछ उलटते पलटते रहती हूँ। अंग्रेजी साहित्य की हूँ इसलिए ये लगता है कि हिंदी साहित्य में मैं जब घुसपैठ कर रही हूँ, हिंदी लिख रही हूँ, हिंदी में लिख रही हूँ, तो मुझे हिंदी साहित्य का थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना ही चाहिए, एक ABCD वाला, तो पढ़ती रहती हूँ। तो मैंने उसमें जब तलाशना शुरू किया आर्य भाषा पुस्तकालय में और कहीं कहीं, तो 2 दर्जन से अधिक महिला रचनाकार उस स्वाधीनता काल में रचना कर्म करते हुए मुझे मिली। उनकी लुप्त होती रचनाएं जो चिंदी चिंदी हो जाने की स्थिति में दुर्लभ ग्रंथालय में, वो मिली। और उन रचनाकारों को जब हमने ढूंढना शुरू किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास पुस्तक में, इतिहास ग्रंथ में, वो महिलाएं कहीं नहीं मिली। आपको आश्चर्य होगा, भारतेंदु जी की प्रेम पोषिता मल्लिका देवी, उन्होंने 3-3 उपन्यास लिखे और उन उपन्यासों की, उनकी कविताओं की कहीं चर्चा इतिहास में नहीं। भारतेंदु जी का मंडल तैयार हुआ लेकिन भारतेंदु जी के मंडल में कोई स्त्री नहीं, जबकि मल्लिका देवी उनकी प्रेम पोषिता थी। मल्लिका देवी तो कम से कम रह सकती थी उस पर से। और सोने में सुहागा एक और काम मुझे मिला, और चीज तथ्य सामने आया कि जो उनका चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश उपन्यास था मल्लिका देवी का, उसको एक साहित्यकार ने, ग्रंथकार ने, इतिहासकार ने भारतेंदु जी का प्रथम सामाजिक उपन्यास कह के लिख दिया था इतिहास ग्रंथ में। यानी मल्लिका देवी के उपन्यास को भी खारिज करके भारतेंदु जी के खाते में डाल दिया गया। ये स्त्री लेखन को पढ़ने की गंभीरता रही है हमारे यहाँ। दूसरी तरफ एक उदाहरण और आपको बताएं, तब से लेकर आज तक, यहां मधुरेश जी एक समीक्षक हुए, उन्होंने हिंदी कहानी का विकास लिखा, पेज नंबर 13 पर संभवतः आप जाकर देखिएगा। उन्होंने जैसे सारे इतिहासकारों ने लिखा, वैसे ही उन्होंने भी पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। बहुत प्रसिद्ध कहानी है दुलाई वाली, बंग महिला की, और उन्होंने दुलाई वाली कहानी के बारे में भी अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों की तरह लिख दिया कि बंग महिला की जो ये कहानी है दुलाई वाली, इसमें बंग विभाजन की घटना का जिक्र है। जब मैंने दुलाई वाली कहानी पढ़ी तो पूरी तरह से दो मित्रों के बीच हास परिहास की कहानी, हंसी मजाक की कहानी, एक जगह बस उसका नायक अपनी बिलायती धोती न पहन के आने का पश्चाताप बस व्यक्त करता है, बाकी बंग बंग कहीं नहीं। और आज की तारीख तक बंग महिला के उस कहानी को, दुलाई वाली को, एनी हाउ शामिल किया गया कहानियों में, लेकिन उसकी वास्तविक पृष्ठभूमि क्या है, केंद्रीय थीम क्या है, उसको किसी ने पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। दूसरी एक रोचक घटना और आपको बता रही हूं, 1908 में, अभी अनुराग ने कहा कि 1908 में सोजे वतन, मैंने जहां पढ़ा वो 1909 में सोजे वतन प्रकाशित हुआ था, और या 8 और 9 में जो भी हुआ होगा। 1908 में बंग महिला की एक कहानी प्रकाशित होती है सरस्वती या चांद पत्रिका में, भाई बहन, उसमें यहाँ नाटी इमली का भरत मिलाप है। उस भरत मिलाप में दो छोटे भाई बहन रहते हैं, सुंदर और एक साहब, सुंदर देई और साहब, तो छोटी बहन रहती है, भाई रहता, दोनों जाते हैं मेला देखते हैं नाटी इमली पर भरत मिलाप में, वहां से कुछ खिलौने खरीद के ले आते हैं। तो सुंदर देई जो है वो मिट्टी का खिलौना ले आती है और जो साहब है वो चाबी वाला खिलौना लेके आता है, और दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं, जैसे ईदगाह में बहस हो रही है कि मेरा चिमटा ये कर देगा, मेरा ये सिपाही कर देगा, मेरा वकील ये कर देगा, उसी तरह की बहसबाजी, तर्क भाई बहन कहानी में बंग महिला ने वर्णन किया। 1908 में प्रकाशित हुई वो कहानी, और वहां पर बहन जो है कहती मेरा मिट्टी का खिलौना है, वो बोलता है कि देखो मेरा तो चाबी लगाते ही कैसे कैसे चलने लग रहा है। तो उसके पिता कहते हैं
कि बेकार में तुम जाके विदेशी कला कारीगरों को पैसे दे आए, ये मिट्टी का खिलौना ले आई है तो ये अपने देश के कारीगर के पास पैसा जाएगा। कहीं ना कहीं से एक स्वदेशी आंदोलन की बात उस कहानी में हमको दिखाई देती है। 1909 में प्रेमचंद का सोजे वतन प्रकाशित होता है, जब्त होता है और तमाम बातें होती हैं। इसका तात्पर्य यही है कि ईदगाह कहानी 1909 के बहुत बाद की कहानी है। एग्जैक्ट उसका कालखंड हमको याद नहीं, शायद 1936 के आसपास या कब प्रकाशित हुई होगी उसका, 1930 या 36। यानी 1908 में जो कहानी भाई बहन बंग महिला लिख रही है बच्चों के तर्क वितर्क और खिलौनों के आधार पर, उसी तरह का तर्क वितर्क प्रेमचंद लिखते हैं 1930 में। अगर यह स्थिति उलट रही होती कि प्रेमचंद 1908 में लिख गए होते और 1930 में बंग महिला लिख रही होती, तो स्पष्ट रूप से कहा जाता कि बंग महिला के ऊपर प्रेमचंद का प्रभाव है। लेकिन प्रेमचंद के ऊपर बंग महिला का प्रभाव है, ये कहीं किसी आलोचक ने नहीं कहा। प्रेमचंद सोचे वतन लिख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी लिख रहे हैं, तमाम लेखक लिख रहे हैं। गुलेरी जी ने लिखा, प्रेम ने पगे चासनी के साथ लिखा राष्ट्रीय चेतना की कहानी। लेकिन वहीं पर प्रेमचंद की जो धर्मपत्नी थी शिवरानी देवी, बहुत बड़ी कथाकार थी और 1937 में वो उनकी एक उनका कहानी संग्रह आता है, कौमुदी, 16 कहानियों का संग्रह है प्रमाण के लिए। मैंने उसको फोटो स्टेट करा के आपके सामने रखने का प्रयास किया कि कितनी बड़ी वो लेखिका थी। कहानी में सिंदूर, उसमें बहुत सारी कहानियां, उसमें एक है सिंदूर की रक्षा। सिंदूर की रक्षा कहानी में हिंदू मुस्लिम जो दंगे हैं, हिंदू मुस्लिम दंगों को जिस बेबाकी से चित्रित करती है अंग्रेजों के दमन के समय में, उस तरह से न प्रेमचंद कर सके थे, न जयशंकर प्रसाद कर सके थे, न अन्य किसी लेखकों में ये साहस था जिस तरह से वो महिला करती है। और वो कटार लेकर, उस लड़की की शादी होने जा रही है और वो कटार लेकर, हिंदू मुस्लिम राइट हो जाता है, एक दूसरे की जान के प्यासे बन जाते हैं उस समय में भी। ये कहना कि स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई बड़ी गंगा जमुनी तहजीब के साथ लड़ी गई, मैं वहां पर सहमत नहीं हो पाती हूँ जब इस तरह की कहानियां पढ़ती हूँ। तो मैं तो उस समय पैदा नहीं हुई थी, लेकिन इन कहानियों से पता चलता है कि दंगे उस समय भी हो रहे थे हिंदू मुस्लिम। शिवरानी देवी लिखती हैं उसमें कि वो लड़की कटार लेकर जाती है, ऊपर कहती है कि आज मैं फैसला कर दूंगी, या तो अपने को खत्म कर लूंगी, और मैं तो चाहती हूँ कि ये हिंदू मुसलमान दोनों ही पुरुष मर जाएं, स्त्रियां इनके नाम को रो लेंगी। वो ये डायलॉग बोलती है। और उस कहानी में एक अंश में पढ़ के सुना रही हूं। रामपाल ने जाते जाते चंदा को जोड़ा पहने ऊपर से उतरते देख लिया था। वह बरोठे में खड़ा खड़ा चंदा की बातें सुनता रहा। जब उसने देखा कि माता के रुके चंदा रुकने वाली नहीं, चंदा वही नायिका है जो कटार लेके ऊपर जाती है, तो लौट पड़ा और चंदा के सम्मुख आकर बोला, तुझे यह दिखाने का काम नहीं है चंदा, हिंदू बालाओं ने इसके पहले भी 1000 बार दिखा दिया है कि वह कितनी वीरता से प्राण दे सकती है, और न हिंदू देवियों ने मांग के सिंदूर का कभी इतना मोह किया है। आन वह वस्तु है जिस पर सिरों की और सिंदूर की भेंट सदा चढ़ती रही है, सदा चढ़ती रहेगी। चंदा ने दबी जबान से कहा, आखिर यह उपद्रव मेरे ही कारण तो हो रहा है। रामपाल ने ठट्ठा मारकर कहा, तेरे कारण नहीं हो रहा है पगली, इसके कारण कुछ और हैं। यह तो केवल एक बहाना है, मुसलमान हमारे ऊपर आतंक जमाकर हमें दबा देना चाहते हैं, और इसीलिए वह हिंदू धर्म और हिंदू जीवन के मर्म स्थानों पर चोटें कर रहे हैं। हमें दिखा देना है कि हिंदू अपने स्वत्वों को आसानी से छोड़ने वाले नहीं, और जरूरत पड़े तो उनकी रक्षा अपने रक्त से कर सकते हैं। यह शिवरानी देवी लिख रही है 1937 में, जब हम आजाद नहीं हुए थे। एक स्त्री रचनाकार इतनी बेबाकी से मुखर होकर लिख रही है अपने राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र की विसंगतियों के बारे में, दंगों के बारे में। उसके बाद के कालखंड में हम आ जाते हैं, हमें स्त्री विमर्श के नाम पर जो जो चीजें पढ़ने को मिल रही हैं, क्षण भर के लिए अपनी शिराओं में झंझनाहट महसूस कर लेते होंगे पाठकगण, ऐसी ऐसी चीजें उसमें वर्णित होती हैं। उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं उन कहानियों को। राष्ट्रीय चेतना में ढूंढती रह गई, कम पढ़ी हूँ शायद हिंदी साहित्य को, इसलिए भी कि बहुत सारे लोग नहीं मिले। लेकिन प्रवासी लेखन एक बार हम जब पढ़ रहे थे, और कथा यूके का एक इंटरनेशनल सेमिनार था वहाँ हरियाणा में,
उसमें उसी समय मुझे पढ़ना पड़ा प्रवासी लेखन। तो उसमें एक लेखक गौतम, डॉक्टर गौतम सचदेव हैं, प्रवासी लेखक हैं, हिंदी में लिखते हैं, उनकी एक कहानी मैंने पढ़ी अनुष्ठान। तो अनुष्ठान में उस व्यक्ति ने एक मतलब जैसे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो केवल भूमि के दो टुकड़े नहीं हुए, लाखों लाख जिंदगियां भी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। तो उसी में एक परिवार ऐसा है जिस जो पाकिस्तान में चला जाता है विभाजन के बाद, कत्लेआम होता है वहां, एक छोटा बच्चा रतन नाम का होता है, उसका भी कत्ल हो जाता है, उसकी आत्मा भटक रही है, और उस परिवार में रहने वाले लोग कब के धर्मांतरित हो चुके हैं। जो वहां का पीर साई है वो लोहबान और आबे जमजम से घर जो शैतानी रूह है उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा है उस घर में। उस बच्चे की, रतन की आत्मा भटकते हुए वहां आती है, माँ के हाथों के बने पराठे की गंध ढूंढती है, ऊपर जाती है, फिर देखती है दीवारों पर से महाराणा प्रताप के चित्र और अन्य लोगों के चित्र गायब हो गए। फिर उसके बाद वो देखती है कि जो उसके होमवर्क की कॉपियां और ये सब सब ढूंढता है, और अंत में लेखक उस बच्चे की आत्मा की जो चाहत है उसको अपनी लेखनी से बयान करता है कि अभी मुझे अपनी पट्टी पर, वो जो जिस पर लिखा जाता था पहले खड़िया मिट्टी से, अभी मुझे अपनी पट्टी पर बहुत सुलेख लिखने हैं, इन सुलेखों को पढ़ने वाला कम से कम कोई तो आएगा अगली पीढ़ी में, और मैं चाहता हूं कि तब तक मेरी कोई चाह, मेरी कोई कराह यहाँ की धरती पर और यहाँ के वातावरण में, यहाँ की हवा में पड़ी रहे, ताकि वो आकर उस सुलेख को पढ़ सके। यानी ये इस कालखंड में लिखी गई इस तरह की एक कहानी है जो प्रवासी एक लेखक लिख रहा है अपनी भारत भूमि के लिए। हम लोगों को थोड़ा तो संकोच होना चाहिए कि हम राष्ट्रीय चेतना के नाम पर कितने बटे बिखरे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरह से हम, जिसको कहते हैं अज्ञा बैताल होना, वो अज्ञा बैताल होते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। वहीं पर एक तेजेंद्र शर्मा की कहानी है, अभी आए थे बीएचयू में। तेजेंद्र शर्मा इंग्लैंड में रहते हैं, हिंदी में कहानियां लिखते हैं। उनकी एक कहानी चरमराहट, उसको मैंने पढ़ी। तो चरमराहट में एक युवक जो है वो जिद्दाह जाता है नौकरी करने के लिए, और आप सभी लोग जानते हैं कि वहां पर वो बहुत अकेलापन महसूस करता है अपने देश से अलग होने का, वहां उसके साथ कोई हिलता मिलता नहीं, उसकी अपनी संस्कृति नहीं, नितांत अकेला महसूस करता है। लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि क्यों यहां, मतलब एक ही धर्म के दो देश भी आपस में क्यों लड़ते हैं, इस्लामिक कंट्रीज में लड़ाइयां होती हैं आप सब लोग जानते हैं। तो वो आश्चर्य में पड़ता है कि एक ही धर्म के दो देश आपस में क्यों लड़ते हैं, आखिर उसके पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है। कहीं ना कहीं वही राष्ट्रीय चेतना की बात है कि हमारा राष्ट्र अलग तुम्हारा राष्ट्र अलग, भले धर्म एक हो। उसी में बड़ा एक निश्चल सा प्रश्न तेजेंद्र शर्मा चरमराहट में उछालते हैं। उस प्रश्न को आपके सामने मैं उछाल रही हूं कि नौकरी के लिए आवेदन करते हुए, नौकरी के लिए आवेदन करते हुए, ये हमारे देश में अधिकांश लेखक वामपंथी हैं, लिखता है वो लेखक, हमारे देश में अधिकांश लेखक वामपंथी हैं, नौकरी के लिए आवेदन करते हुए धर्म वाले कॉलम में ये वामपंथी लोग क्या लिखते होंगे, और अगर धर्म का वर्णन उसमें वो करते हैं तो क्या इनका वामपंथ ढकोसला है। कई बार मेरे भी मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि क्यों चाइना में वर्षा होने पर छतरी हम तानते हैं, भारत में तानते हैं। ये हमें अपने राष्ट्र के साथ जुड़कर, हमें अपनी राष्ट्रीय चिंताओं के साथ जुड़कर रहने में ऐसी क्या समस्या है। और मेरे भी मन में कभी कभी कौतूहल आता है कि क्यों नहीं कोई इस तरह की विचारधारा जो होती है वो क्यों नहीं ऐसी वसीयत करती है कि जब मैं मर जाऊं तो ब्राह्मण भोज मत देना, जब मैं मर जाऊं तो मुझे कब्रिस्तान में ले जाके दफना देना। कुछ इसी तरह के प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में आते होंगे, क्योंकि अगर विचारधारा मेरी वो है तो उस विचारधारा को मुझे जीना आना चाहिए, उसे पूरी तरह से हमें आत्मसात करना चाहिए। आप लोगों ने समय दिया, 2-4-10 कहानियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से हमने कर ली, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नीरजा जी का भाषण बहुत ही क्रांतिकारी रहा, और उनका दर्द ये है कि इतिहास में
महिला लेखन को उपेक्षित किया गया, महिला रचनाकारों की उपेक्षा हुई है, लेकिन आज महिलाएं लेखन के क्षेत्र में, विशेष रूप से कथा लेखन के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुकी हैं। उनकी संख्या गिनाने में तो बड़ा समय लगेगा, तो वह दर दर धीरे धीरे दूर हो रहा है और स्वयं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लेखिका हैं। तो राष्ट्रीय चेतना की जो व्याख्या आपने किया वो भी इनकी अपनी उद्भावना है और बड़ी स्वस्थ दृष्टि से इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को देखा कि दो संस्कृतियों की टकराहट से राष्ट्रीय चेतना उद्भूत होती है। जब किसी चीज़ को दबाया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया में, जब अंगूठे को हम यहाँ दबाते हैं तो यह मेज भी हमको दबाता है, तो जब टकराहट होती है तब राष्ट्रीय चेतना फुफकार उठती है। जब दो संस्कृतियाँ या दो राष्ट्र आपस में टकराते हैं तो उनके उनकी राष्ट्रीय चेतना जो सुप्तावस्था में रहती है वो फुफकार उठती है। नेजाजी ने बड़े कम समय में अपनी बात को रखी और भाषण वह बुलंद रहा, लेकिन इनकी जो एक पीड़ा है वो पीड़ा ये है कि इतिहास थोड़ा सा महिला लेखिकाओं की उपेक्षा की है। तो ये हमारी भी पीड़ा है, हम इस पीड़ा को स्वीकार करते हैं। अब गोष्ठी हमारी बहुत अच्छी चल रही है और सच में हमारे जितने भी वक्ता अभी तक आए सब अप्रतिम रहे, किसी को 19 या 20 हम नहीं कह सकते। सबकी दृष्टि बड़ी स्वस्थ है और राष्ट्रीय चेतना पर बहुत ही बढ़िया विश्लेषण लोग कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपके सामने एक ऐसी प्रतिभा आ रही है, एक ऐसा समालोचक, एक ऐसा हिंदी का विद्वान आ रहा है जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। और डार साहब बहुत अच्छे समीक्षक हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। मैंने बहुत सोच समझ करके डार साहब का नाम तो प्रस्तावित किया है और राष्ट्रीय चेतना पर, डॉक्टर साहब ने कथा साहित्य पर भी काम किया है और राष्ट्रीय चेतना पर बहुत ही अच्छा सम्यक प्रकाश डालेंगे। और मैं प्रोफेसर कुमार पंकज जी को आमंत्रित करता हूं, आप आएं और अपने अमूल्य विचार, थोड़ा सा हमारे विद्यार्थी हिंदी भाषी हैं तो थोड़ा सा संभाल करके बोलिएगा जी। प्रणाम। आदरणीय बलराज पांडे जी, जितेंद्र नाथ मिश्र जी, नीरजा माधव जी, बाबूलाल त्रिपाठी जी और सभागार में उपस्थित विद्वज्जन एवं छात्र और संभवतः छात्राओं, तारीफ उतनी ही की जानी चाहिए जो अनुपात में रहे। और वक्तव्य के बाद निराशा न अगर आपको हो तो उसका दोषी मैं नहीं, बाबूराम जी हैं। पहले तो विषय पे आने से पहले जब आज मैंने जितेंद्र नाथ मिश्र जी को देखा तो मैं थोड़ी देर के लिए राष्ट्रीय चेतना भूल गया। हुआ ये कि बाबू जितेंद्र नाथ जी से मेरी पहली भेंट 1973 में इलाहाबाद में हुई थी। गोष्ठियों में कभी कभी भेंट होती रहती है लेकिन मैंने कभी गौर से उनको नहीं देखा था। आज पास बैठे थे, बहुत गौर से देखा और निश्चित रूप से उन्होंने मुझे देखा होगा। तो राष्ट्रीय चेतना तो मुझे याद नहीं रही, मुझे एक शेर याद आया उन्हें देख के, और निश्चित रूप से उन्हें भी, उनके मन में भी ऐसे ही भाव जगे होंगे। ये दुनिया अजीब फानी देखी, फानी माने विचित्र, ये दुनिया अजीब फानी देखी, हर चीज़ यहाँ आनी जानी देखी, जो जाके ना आए वो जवानी देखी और जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आदरणीय नीरजा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, साहित्य
के लेखन में, साहित्य लेखन में हम जेंडर बायस नहीं हो सकते। पुरुष लेखक हो या स्त्री लेखिका हो, प्रतिभा अपना सिक्का मनवा के रहती है। प्रेमचंद के जमाने में थोड़ा उनके बाद महादेवी वर्मा हुई थी, उनके साथ तीन छायावाद के प्रतिष्ठित कवि थे, प्रसाद, निराला और पंत। मुझे आप बताएं कि क्या महादेवी जी इन तीनों कवियों से किसी भी मामले में कमतर थीं, या उनको साहित्यिक प्रतिष्ठा इन लोगों के बरक्स कम मिली। और मेरा और बल्लाज पांडे जी का निश्चित मत है कि महादेवी जी जितनी अच्छी कवित्री थीं उससे ज्यादा अच्छी गद्य लेखिका थी। नई कहानी आंदोलन में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, अमरकांत, भीष्म साहनी, मनु भंडारी और उसके बाद के पीढ़ी में दूधनाथ, ज्ञान, रविंद्र कालिया, पच्चीसों लेखक के नाम हैं। लेकिन इन सब लेखकों के बीच में चंद्रमा की तरह चमकती है कृष्णा सोपती। और जितना वैविध्य कृष्णा सोपती के लेखन में है उतना उनके समकक्ष किसी पुरुष लेखक में नहीं है। एक तरफ वो लिखती हैं बादलों के घेरे, तो दूसरी तरफ लिखती हैं मित्रों मर जाने। तो हिंदी के प्रतिष्ठित समीक्षकों ने, जिसमें नामवर जी भी शामिल थे, उन्होंने उसे सिरे से खारिज कर दिया कि ये बिल्कुल बेकार उपन्यास है। लेकिन श्री आर शुक्ल के उस उपन्यास ने पाठकों के माध्यम से अपनी सत्ता मनवाई और आज वो हिंदी के क्लासिक्स में से एक है। वो जाने कितने उसके संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। दूसरी कठिनाई मेरे साथ ये है कि बल्लाजी मेरे विभाग में सहयोगी रहे हैं, कहानी के विशेषज्ञ हैं, पढ़ाते भी रहे हैं। जो मुझे कहना था भाई कह चुके। अध्यक्ष के संग ये दिक्कत होती है कि जब सब बोल चुकते हैं तो बसता तो कुछ है नहीं उसके पास। लेकिन कुछ चीजें सिर्फ मैं कहना चाहता हूं। देखिए, जिस जमाने ये जो विषय है हिंदी कहानी की राष्ट्रीय चेतना, जिस जमाने में हिंदी कहानी अपने शैशव अवस्था में थी, यानी प्रेमचंद ने भी अभी लिखना शुरू ही किया था, उस वक्त के माहौल को ध्यान में रखिए, उस वक्त के वातावरण को ध्यान में रखिए, उस समय की पृष्ठभूमि को ध्यान को रखिए, उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखिए। एक तरफ थे मैथिलीशरण गुप्त जो भारत भारती लिख रहे थे, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। दूसरी तरफ थे माखनलाल चतुर्वेदी जो लिख रहे थे, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक। ऐसे माहौल में उसने कहा था, या प्रेमचंद की कहानियां या प्रसाद की गुंडा जैसी कहानियां लिखी जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मैं अपने मित्र बल्लाज पांडे जी की बात से 100% सहमत हूं कि गुंडा कहानी में एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय चेतना के दर्शन होते हैं। लेकिन उसने कहा था कहानी के बारे में, मेरी विनम्र असहमति है। उसने कहा था मैं राष्ट्रीय चेतना की बात तो बात की बात है, ये प्रेम की कहानी नहीं है। कहानी के पाठ पे ध्यान दीजिए। 9 बरस का या 10 बरस का लहना सिंह है और 7-8 बरस की सूबेदारनी है। प्रथम दर्शन में आकर्षण होता है और जब लड़के को ये मालूम होता है कि इसकी कुड़माई, उसकी सगाई हो गई, तो उसको एक धक्का लगता है। उस धक्के में वो उस धक्के से वो इतना आहत होता है कि टकराते वकराते किसी इक्के से उससे अब किसी तरीके से घर पहुंचता है। और वो धीमे धीमे उसकी लहना सिंह बड़ा होता जाता है, इसमत उसकी अंग्रेजी में कहूं वाइप आउट हो जाती है।
अगर बहुत गंभीर प्रेम की कहानी होती तो लहना सिंह सेना में भर्ती ना होता, देवदास हो जाता, देवदास नहीं होता। सूबेदारनी उसे पहचान लेती है जब वो लड़ने जा रहा है। कहानी पे ध्यान दीजिए कि वो मरते वक्त जब उसे गोली लग गई है तो बार बार वो कहता है उसने कहा था, उसने कहा था। ये कुछ वैसे ही रेटरिक है, वैसी ही पुनरावृत्ति है जैसी कफन कहानी में जिस वक्त बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़े खा रही है प्रेमचंद कई बार पुनरावृत्ति करते हैं और बुधिया कराह रही थी, और बुधिया कराह रही थी, और बुधिया कराह रही थी, वैसे ही उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था। ये क्या है? ये एक प्रेम से ज्यादा गंभीर कर्तव्य निष्ठा की कहानी है। गुलेरी जी का कमाल यह है कि उन्होंने प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, थोड़ी बहुत स्वतंत्र स्वाधीनता, राष्ट्रीय चेतना, इन सब का एक अद्भुत संगठन कर दिया। और 1916 या 15 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी जब हिंदी कहानी का कोई वैसा रूप हमारे सामने था ही नहीं। प्रेमचंद की सोजे वतन की कहानियां प्रकाशित हो चुकी थी और शुरुआती दौर की कुछ उनकी कहानियां थी, बहुत मामूली किस्म की कहानियां थी। गुलेरी जी के सामने कोई आदर्श नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये, गुलेरी जी प्रकृतिया कहानीकार भी नहीं थे, वे तो पुरातत्व के विद्वान थे, उनके निबंध अच्छे मिलते हैं। सिर्फ 3 कहानियां उनकी मिलती हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। लेकिन रोमांस, प्रेम, छेड़खानी, कर्तव्य निष्ठा और सबसे बढ़ के शिल्प में फ्लैशबैक, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्व दीप्ति, इसका प्रयोग उन्होंने ऐसे किया कि यह कहानी 16 में प्रकाशित हुई, अब 2017 है, 101 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जितनी ताजी तब थी उतनी ही ताजी आज भी है। बाबूलाल जी ने ठीक ही इसका जिक्र किया अपने प्रवर्तन में, भाषण में, कि इसमें राष्ट्रीय चेतना की भावना के दर्शन होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की छाया में ये कहानी लिखी गई है। प्रेमचंद के सोजे वतन की चर्चा की गई, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न की चर्चा की गई, उसी में एक कहानी और भी है, बांका जमींदार। सच पूछिए तो सोजे वतन का ऐतिहासिक महत्व तो भले ही हो कि प्रेमचंद का ये संग्रह जब्त हुआ, अंग्रेज कलेक्टर ने ये कहा कि शुक्र करो कि तुम अंग्रेज सरकार में काम कर रहे हो, और कोई सरकार होती तुम्हारे हाथ काट लिए जाते देशद्रोह में। लेकिन कुल मिला के कहानी कला की दृष्टि से ये कहानियां बहुत कमजोर है। इसी में एक और इसी के आसपास कहानी है, बांका जमींदार, अब वो भी देशभक्ति के जज्बे में बहता रहता है। आज की जो पीढ़ी सामने बैठी है इसने तो वो जमाना नहीं देखा होगा। 1962 में जब चीन का हमला हुआ था तो उस चीनी आक्रमण के विरोध में बहुत कविताएं लिखी गईं, बहुत सी कहानियां लिखी गईं, लेकिन आज उनका कोई नाम भी लेवा नहीं है। तत्कालिक घटनाओं को लेकर लिखी गई कोई रचना कालातीत नहीं हो सकती। इसलिए प्रेमचंद की जब हम राष्ट्रीय चेतना वाली कहानियों का जिक्र करेंगे, ठीक है, ईदगाह का जिक्र करना उचित है, सबसे बड़े के 2 बैलों कथा उसका जिक्र भी हो चुका है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि प्रेमचंद की, और उनका भी जिक्र किया है किसी एक किन्हीं एक वक्ता महोदय ने, मैकू का, लेकिन ध्यान दीजिए कि मैकू कहानी भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानी है। मैकू डंडा लेके शराब के मटके फोड़ देता है, शराब पीने वालों के सर धो देता है, ठेकेदार को मारता है ये यूटोपिया ही है ये यथार्थवाद के बाद आदर्श की स्थापना ही। प्रेमचंद जब ठेठ यथार्थ पे उतरते हैं, जब निर्मला और गोदान लिखते हैं, अगर गोदान मेरा ख्याल आप सबने पढ़ा होगा, ध्यान दीजिए कि जो प्रेमचंद विदेशी शराब या मदिरा पान के खराबियों के बारे में इतना लिखते हैं, गोदान उपन्यास में शुरुआती अध्याय में
जहाँ पे जेठ के दशहरे के मौके पे गांव के जमींदार राय साहब के यहाँ मेहता आए हुए हैं, मिस मालती आई हुई हैं, बिजली संपादक पंडित ओंकार नाथ आए हुए हैं, मिर्जा खुर्शेद आए हुए हैं, तनख्वाह आए हुए हैं, वहां मजाक मजाक में क्या होता है? वहां मजाक में होता है कि बिजली के संपादक किस पंडित ओंकार नाथ को मालती के हाथों मदिरा पिला दी जाती है। प्रेमचंद मैकू वाला आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कवि का छोड़ चुके थे, इसलिए उनकी राष्ट्रीय चेतना वाली उन कहानियों को देखना चाहिए जहां पे राष्ट्रीय चेतना अपने सच्चे रूप में मुखरित हुई है। उस लिहाज से प्रेमचंद ने करीब 300 350 कहानियां लिखी होंगी। उस लिहाज से उनकी एक उनके अमर पात्र है पंडित मोटेराम शास्त्री, जो निर्मला उपन्यास में भी हैं, और मोटेराम शास्त्री पर उन्होंने कई कहानियां लिखी हैं। आपको शायद मालूम हो कि पंडित मोटेराम शास्त्री पर जब उन्होंने पहली कहानी उनकी प्रकाशित हुई, उस जमाने में वे लखनऊ में थे और लखनऊ में माधुरी पत्रिका का संपादन करते थे। उन्होंने मोटेराम शास्त्री कहानी लिखी और उनके बगल में थोड़ी दूर पे उसी मोहल्ले में कोई एक वैद्य जी रहते थे, मोटे ही थे। किसी ने जाके कह दिया उनसे कि ये कहानी आप पे ही लिखी गई है, और उन्होंने प्रेमचंद ने मुकदमा कर दिया मानहानि का। मुझे प्रेमचंद में सबसे अच्छी बात लगती है वो है प्रेमचंद का खिलंदड़ापन और प्रेमचंद का हंसोड़ वृत्ति। मुकदमे को उन्होंने ऐसे लिया जैसे कोई खेल हो, और इत्तफाकन जो मजिस्ट्रेट जिसके यहाँ मुकदमा हो रहा था वो भी कुछ चारा ही कुछ हंसोड़ था। उसने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहानी जरा बताइए हमें कहानी क्या है, बल्कि उसने आदेश दिया कि कहानी पढ़ के सुनाइए। वो पूरी कहानी जब पढ़ के सुनाई गई तो मजिस्ट्रेट हंसने लगा और उसने मुकदमा खारिज कर दिया। वैद्य जी चुनाव हार गए, अरे मुकदमा हार गए। प्रेमचंद इतने शैतान थे कि उन्होंने माधुरी पत्रिका में उस कहानी को दोबारा प्रकाशित किया, और प्रकाशित करने के बाद नीचे टिप्पणी लिखी, ये कहानी उन वैद्य जी पर नहीं लिखी गई है। उस मोटेराम शास्त्री सीरीज की जो कहानियां हैं, करीब 8-10 कहानियां हैं, उनमें प्रखर राष्ट्रीय चेतना मिलती है। उसमें एक कहानी है बड़ी हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते हैं, निमंत्रण, अगर ठीक से मुझे याद है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है स्मृति क्षीण होती जा रही है, या निमंत्रण है या कुछ और उसका शीर्षक है। बहरहाल उसमें दिखाया यह है प्रेमचंद ने कि मोटेराम शास्त्री को अंग्रेज लोग भूख हड़ताल पर बिठाल देते हैं, और जो उस जमाने में तो कोई और राजनीतिक पार्टी थी नहीं, आजादी के दौर में कांग्रेस ही थी, कांग्रेसी लोग बहुत परेशान थे। कांग्रेसियों को सबसे ज्यादा परेशानी यह थी कि अगर राजनीति और धर्म आपस में मिल गए तो इससे कैसे, इसका मुकाबला कैसे करेंगे। तो और कहानी यही कि उसकी परिवेश उसका यही का है, बनारस का टाउन हॉल में पंडित मोटेराम शास्त्री जल और अन्न सब त्याग के बैठे हुए थे, भूख बहुत लग रही थी, बार बार उनको खाना और मिठाइयां याद आ रही थी। जो कांग्रेस का बनारस इकाई का अध्यक्ष था, उसने सोचा कि अगर ये भूख हड़ताल चलती रही तो अंग्रेज अपनी कूटनीति में जीत जाएंगे। वो गए और उन्होंने एक दोने में खूब अच्छी मिठाई खरीदी और एक सुगंधित पात्र में जल लिया, शीतल जल जिसमें गुलाब जल भी पड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने सावधानी के तौर पे 3-4 सिपाही भी लगा रखे थे कि कोई खाना या पीना वहां पहुंचा ना दे पंडित मोटेराम शास्त्री के पास। वहां पे राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ भविष्य भी दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय चेतना तो ये कि प्रेमचंद ने बहुत साफ लिखा है कि अगर राजनीति में धर्म का प्रवेश हो गया तो अंग्रेजों से निपट पाना बहुत मुश्किल होगा।
और भविष्य क्या दिखाई पड़ता है। सिपाहियों ने कहा उस कांग्रेसी नेता से कि अंदर आप नहीं जा पाएंगे ये मिठाई और सुगंधित जल लेके। कांग्रेसी ने फौरन चार चवन्नी निकाली और सिपाहियों को एक एक चवन्नी पकड़ा दी। अब आज की पीढ़ी हंसेगी, चवन्नी उस जमाने में बहुत बड़ी चीज थी, अरे आज से करीब 80-90 साल पहले। और लिखा है प्रेमचंद ने कि रिश्वत देना कांग्रेस के नियम विरुद्ध तो था, लेकिन उन्होंने 72 अर्थ को प्राप्त करने के लिए या 72 संदर्भों को प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने को मैं कोई खराबी नहीं समझी। उस सीरीज की जितनी कहानियां हैं वो गुप्त धन के दो भागों में, कफन संग्रह में और मान सरोवर के 8 भागों में कहीं ना कहीं छितरी हुई हैं। तो अगर राष्ट्रीय चेतना देखनी हो प्रेमचंद की कहानियों में तो इन कहानियों को देखना अवश्य जरूरी है, अवश्य आवश्यक है, साथ साथ दो बैलों की कथा को तो देखना आवश्यक है ही। उनकी एक कहानी का जिक्र मैं यहां करना चाहता हूं जो हमारे वर्तमान परिवेश के लिए भी उतनी प्रासंगिक है। वो कहानी है जुलूस। दरोगा बीरबल सिंह की ड्यूटी लगी हुई है, आजादी के दीवानों का जुलूस निकल रहा है, हिंदू भी है मुसलमान भी, नेतृत्व कर रहे हैं इब्राहिम अली नाम के एक नेता जिनकी अवस्था 80-85 वर्ष की है। जुलूस को बीरबल सिंह दरोगा रोकते हैं कि अंदर आगे नहीं जा पाएंगे आप। इब्राहिम अली कहते हैं कि आप रोक नहीं पाएंगे, जुलूस तो ये आजादी के दीवानों का है। बीरबल सिंह लाठी चार्ज करवाते हैं, 2-3 लाठियां पड़ती हैं, 85 साल का बूढ़ा इब्राहिम अली वहां गिरता है, घाव खा के मर जाता है। जनाजा जब निकलता है तो उस जुलूस में सैकड़ों आदमी औरतें हैं और उन औरतों में सबसे आगे दरोगा जी की पत्नी मिट्ठन बाई है। बीरबल सिंह बहुत कुढ़ते हैं कि अभी किसी ने जाके एसएसपी से कह दिया कि दरोगा की पत्नी ही जुलूस में थी तो नौकरी का क्या होगा। कहानी को पढ़िए, एक क्षण के लिए मिट्ठन बाई की नजर अपने पति बीरबल सिंह से मिलती है। लिखा है प्रेमचंद ने कि मिट्ठन बाई की नजर में जो धिक्कार और जो नफरत थी अपने पति के प्रति, बीरबल सिंह बिलबिला उठे। जुलूस जनाजा कब्रिस्तान तक पहुंचता है और वहां उन्हें दफना दिया जाता है। कहानी अगर वहीं खत्म हो जाती तो भी कोई बुरा ना था, लेकिन जिस दौर में प्रेमचंद यह कहानी लिख रहे थे, आदर्शों यथार्थवाद के दौर में, उस दौर में जब वो बूढ़ी काकी बड़े घर की बेटी जैसी कहानियां लिख रहे थे, उस दौर में इस कहानी के को प्रेमचंद वहां खत्म नहीं करते कि जहां वो दिखाते हैं कि मिट्ठन बाई घृणा की नजरों से अपने पति को देख रही है। मिट्ठन बाई ने सोचा कि अब घर नहीं जाएंगे, पति का घर छोड़ देंगे। बहुत कस्में खाई जाती हैं स्त्री विमर्श की। कल्पना देखिए, गोदान उपन्यास में खन्ना का घर छोड़ के उनकी पत्नी कामिनी उर्फ गोविंदी चली जाती है, अवश्य बाद में वापस आ जाती है मेहता के समझाने से, अगर मैं ठीक से मुझे याद आ रहा है। कहां जाए, पति का घर तो छोड़ दिया, गोद में बच्चा भी है। लेकिन राष्ट्रवादी भाव, राष्ट्रीयता की भावना मिट्ठन बाई को मजबूर कर देती है कि वो अपने पति का घर न जाए। सोचती है कि चल के इब्राहिम अली की जो बेवा का घर है वहीं जाके रहूंगी और उनकी सेवा करूंगी।
ये जो राष्ट्रीय चेतना की भावना थी ये कैसी संक्रामक होती है कि जब वो पहुंचती है इब्राहिम अली की बेबा के घर तो देखती है कि वहां आंखों में आंसू भरे एक आदमी खड़ा है, माफी मांग रहा है उस बेवा से, और वो आदमी दारोगा बीरबल सिंह थे। जुलूस कहानी कम पढ़ी जाती है, लेकिन शायद राष्ट्रीय भावना की या राष्ट्रीय चेतना की नजर से देखें तो प्रेमचंद की सबसे अच्छी कहानियों में से है, बावजूद इसमें कि एक आदर्श की स्थापना तो इसमें है ही। जैनेन्द्र की पत्नी कहानी की चर्चा समाप्ता बाबूलाल जी ने की थी। इस कहानी के बारे में आपको संभवतः ये बात मालूम हो कि अधूरी कहानी है। वास्तव में प्रेमचंद जैनेन्द्र ने एक खास उम्र के बाद हाथ से लिखना छोड़ दिया था, वे बोल के लिखाते थे, और दिल्ली के आकाशवाणी का कोई आदमी आया, कहा कि आपकी ये कहानी आज प्रसारित होनी है, लिखाइए। सुबह का 7-8 बजे का समय था, उन्होंने बोल के लिखाना शुरू किया पत्नी कहानी, और तब तक वहां से रेडियो के यहां से आने लगा संदेश कि जल्दी आओ, वो लाइव प्रसारण होना था उसका जल्दी जल्दी। तो जहां पे वो प्रेम लिखा जैनेन्द्र ने कि, और सुनंदा दरवाजे से लग के खड़ी हो गई कि कालीचरण कुछ और मांगे और लादे, वहीं कहानी खत्म हो जाती है। जैनेन्द्र ने कहा कि यहां तक लिखा दिया है, ले जाओ, अगली बार आना तो इसे पूरा कराएंगे। वो दिन है, आज का दिन, जैनेन्द्र का देहावसान भी हो गया, वो कहानी पूरी नहीं हुई। अब ये कह सकना मुश्किल है कि जैनेन्द्र के दिमाग में क्या रहा होगा, इस कहानी को कहां ले जाते, लेकिन जितनी कहानी है उपलब्ध है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो जब ये ध्यान दीजिए कि कालीचरण जब बहस कर रहा होता है खाना लाने से पहले, तब उसके विचार कुछ और होते हैं, और जब वो खाना लेने के लिए सुनंदा के पास जाता है, जब लौट के आता है, तब उसके विचार कुछ और होते हैं। पत्नी कहानी में राष्ट्रीय चेतना की भावना तो है, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि स्त्री विमर्श की पहली मौलिक कहानी कौन सी है, तो मैं पत्नी को कहूंगा, अज्ञेय की रोज को कहूंगा, यशपाल की पराया सुख को कहूंगा, प्रेमचंद की मिस पद्मा को कहूंगा। और ये वो जमाना था जब मैत्रेयी पुष्पाओं का जन्म हिंदी कथा साहित्य में नहीं हुआ था। एक और कहानी है जिसमें राष्ट्रीय चेतना की भावना मिलती है, आप सबने पढ़ी होगी 8वीं क्लास में या हाई स्कूल में या इंटर में, भगवती चरण वर्मा की मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। उस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, कैसे अंग्रेजों का तंबू एक एक करके पलासी के युद्ध के बाद धीमे 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 पूरे देश में छा गया, एक व्यंग्यात्मक टोन की कहानी है, अद्भुत कहानी है। अब मैं उस चीज पे आता हूं जिसमें एक वक्ता ने कहा था कि क्या कारण है कि आजादी के बाद राष्ट्रीय चेतना की कहानियां लगभग नहीं के बराबर है। एक तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि आजादी के पहले प्रेमचंद के लगभग सभी उपन्यासों में, मैंने लगभग शब्द का इस्तेमाल किया, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, सभी उपन्यासों में, एक आध को छोड़ दीजिए इसे प्रतिज्ञा में विधवा विवाह की समस्या या निर्मला में अनमेल विवाह की, छोटे उपन्यास हैं लेकिन महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, अधिकांश उपन्यासों में ये पूरा आजादी का आंदोलन कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। उनके समानांतर जैनेन्द्र के उपन्यासों में लगभग बड़ा गायब है। नदी के
शेखर को छोड़ दीजिए तो नदी के दीप अपने अपने अजनबी में गायब है, यशपाल के उपन्यासों में है लेकिन यशपाल की कहानियां कहानियों में बहुत कम है। और आजादी के बाद जो महत्वपूर्ण लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल और प्रति प्रकथा को छोड़ दीजिए तो तीसरी कसम, तीर्थोदक, पंचलाइट, इनमें भी रसप्रिया सब गायब है। गायब इसलिए है कि वो माहौल नहीं था। देश को आजादी मिल चुकी थी, नव निर्माण के सपने थे, नेहरू युग था, उसके मोह भंग था। आजादी के पहले डिप्टी कलेक्टर की कहानी नहीं लिखी जा सकती थी, वो नेहरू युग में ही लिखी जा सकती थी, अमरकांत की डिप्टी कलेक्टर। आजादी के बाद ही दोपहर का भोजन लिखी जा सकती थी। जीवित हार मास का व्यक्ति कैसे बेकार हो जाता है अनुपयोगी सामान के रूप में, तब चीफ की दावत लिखी जा सकती थी। तो जैसे आजादी के बाद देश की परिस्थितियां बदली, वैसे ही राकेश या यादव या कमलेश्वर या कृष्णा सोपती, इन सब की कहानियों में वो माहौल था जो देश के बाद का था। हर युग में कोई ना कोई ऐसी प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां होती हैं जिनसे उस युग का लेखक या कवि प्रचालित होता है। तो भी अगर राष्ट्रीय चेतना न सही लेकिन अपने देश के बारे में, देश में आए के में आए पाखंड के बारे में अगर जानना हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृष्णा सोपती की कहानी यारों के यार अवश्य पढ़ें। जैसे आजादी के बाद की अगर मुकम्मल कहानी भ्रष्टाचार की और सारी चीजों की पढ़ने के लिए राग दरबारी है, कहानियों के बारे में अगर आप पूछें तो एक ही कहानी अगर पढ़नी हो तो कृष्णा सोपती की कहानी यारों के यार आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीयतावादी कहानी तो नहीं है, राष्ट्रवादी भी नहीं है, लेकिन देश के बाद की बदली हुई परिस्थितियों की कहानी यह है। एक अजीब बात यह है कि आजादी के दौरान, वैसे तो हिंदी में नाटक विधा अभी भी बहुत दरिद्र है, लेकिन आजादी के पहले भी ये भावधारा जयशंकर प्रसाद के नाटकों में दिखाई पड़ती है, लेकिन आजादी के बाद, चाहे दुष्यंत कुमार का गीत नाट्य हो या धर्मवीर भारती का अंधा युग हो, आधे अधूरे हो, लहरों के राजहंस हो, आषाढ़ का एक दिन हो, जितनी भी विधाएं हैं, कहानी नहीं, कुछ एकाध उपन्यासों को छोड़कर ये चीज गायब है। और उसके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि जैसा माहौल होगा वैसा ही वर्ण विषय होगा, इसलिए इस बारे में बहुत शोक मनाने की जरूरत नहीं है कि आजादी के बाद राष्ट्रीय भावभूमि पर कहानी क्यों नहीं लिखी गई। देखने की चीज ये है कि जो कहानियां या उपन्यास या नाटक या निबंध या किसी भी साहित्यिक विधा में लिखी जा रही हैं, वो अपने समय के दर्पण हैं या नहीं। धन्यवाद। प्रोफेसर कुमार पंकज जी ने राष्ट्रीय चेतना को लेकर के प्रेमचंद, कृष्णा सोपती और अन्य रचनाकारों की चर्चा की, बड़ी अच्छी चर्चा आपने की है। और जुलूस कहानी को, प्रेमचंद की जुलूस कहानी को राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से डॉक्टर साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण कहानी बताई। उसने कहा था, पर जो हमारा अभी तक दृष्टिकोण था, डॉक्टर साहब ने अपनी एक नई दृष्टि दी कि उसने कहा था कहानी में राष्ट्रीय चेतना कम बल्कि कर्तव्य निष्ठा अधिक दिखाई देती है। डॉक्टर साहब विद्वान हैं, सारे वक्ताओं के वक्तव्य का भी संक्षेप में उन्होंने विश्लेषण किया। मैं आपके प्रति
बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपको आश्चर्य होगा, जब मैं PhD कर रहा था VHU में, तो डॉक्टर साहब वहाँ पर अध्यापक थे, एक तरह से हमारे गुरु की तरह हैं। हमें लगता है कि डॉक्टर साहब 40 साल नौकरी कर चुके होंगे। तब बताइए। तो वह भी VHU में 44 साल नौकरी कर चुके हैं। तो उस समय जब डॉक्टर साहब जो है नए नए थे, जैसे लगता था कि बम्बई से आए हैं, हीरो टाइप के लगते थे। लेकिन वैसे ही उतने ही अच्छे अध्यापक भी हैं और अध्यापक रहे भी हैं, आज भी उतने ही अच्छे अध्यापक हैं। डॉक्टर साहब आए, प्रोफेसर पांडे जी आए, जितेंद्रनाथ मिश्र जी आए और प्रख्यात लेखक नेजा जी, आप लोगों ने इस गोष्ठी को जो रूप दिया, जो वजन दिया, वह अप्रतिम है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सहयोगी विवेकानंद तिवारी से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद देते समय अगर दो चार बातें कहना हो तो कहने की छूट आपको है। विवेकानंद तिवारी जी, किसी भी कार्यक्रम की एक रूपरेखा होती है, कार्यक्रम उसी के अनुसार गति को प्राप्त करता है। चूंकि अंतिम पड़ाव है धन्यवाद ज्ञापित करने का और बहुत कम समय है, आप भी लोग बोर हो रहे होंगे। सोच के तो आया था मैं ज्यादा कुछ बोलने के लिए और सब पर कुछ ना कुछ बात करने के लिए, लेकिन समय कम है और मैं समय की पाबंदियों का ख्याल रखते हुए कुछ कहना चाहूंगा। सब्जेक्ट जो आज का है, विषय हिंदी कहानी में राष्ट्रीय चेतना, तीनों चीज इसमें अपने समय के अनुसार व्याख्या करने के लिए बहुत पर्याप्त है, हिंदी भी, कहानी भी और राष्ट्रीय चेतना भी। शुरू से हमारे जो विद्वान गण आए थे वक्ता, राष्ट्रीय चेतना पे बहुत उन्होंने अपना फोकस किया। क्या है राष्ट्रीय चेतना? अगर हमारे सामने ये बात आती है तो 1947 के बाद एक विभाजन रेखा मानते हैं, 1947 को जब भारत आजाद होता है, उसके पहले की परिस्थितियां अगर हम देखते हैं उस पर भी बात हुई। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हम लोग गुलाम थे, तो जो भी साहित्य लिखा जाता था, जो भी साहित्य हो, साहित्यकार होता था, उसी समाज में रहता था। और चूंकि साहित्य और साहित्यकार का संबंध अपनी परिस्थितियों से सबसे ज्यादा होता है, जिस परिस्थिति में वो आदमी रहता है या किसी भी व्यक्ति का, वो पेंटर हो, राइटर हो, कवि हो, कुछ भी, क्योंकि कोई भी अगर क्रिएटिविटी की काम कर रहा है, रचनात्मक कोई भी कार्य कर रहा है, तो अपने समय के अनुसार, अपने समाज के अनुसार वो कुछ ना कुछ विषय उसमें से लेता रहता है। तो जो राष्ट्रीय चेतना का प्रखर रूप हमें 1947 के पहले दिखाई देता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही विषय है कि हम लोग गुलाम थे और उस गुलामी से मुक्त होने के लिए हमने क्या क्या किया। उसमें स्वदेशी का आना हुआ, वो शराब की दुकानों का बहिष्कार हुआ, या तमाम प्रकार की जो भी योजनाएं रचनात्मक कर्म हो रहे थे, गांधी के द्वारा भी हो रहे थे, उनके द्वारा, सबके द्वारा। 1947 के बाद अगर हम राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं तो दोनों में, दोनों के स्वरूप में अंतर हो गया है। राष्ट्रीय चेतना अभी भी प्रखर रूप में है। जैसे बात हुई कि राष्ट्रीय चेतना, बाबूराम त्रिपाठी सर ने कहा कि 1947 के बाद से राष्ट्रीय चेतना छीण होती जा रही है, मैं इसको इस नजर से नहीं देखता हूं। राष्ट्रीय चेतना का जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो गया है। राष्ट्रीय चेतना को अगर आप समझना चाहते हैं तो आज का अगर न्यूज पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो नैनीताल हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है गंगा और यमुना को लेकर, कि उन्हें मात्र एक नदी न माना जाए, उन्हें एक वैधानिक व्यक्ति का दर्जा दिया जाए। वैधानिक व्यक्ति का किस लिए? कि आप जो गंदगी कर रहे थे, जैसे नदियां खत्म हो रही थी, उससे अप्रत्यक्ष रूप से 50 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। गंगा नदी जब उत्तराखंड से निकलकर हुगली होते हुए जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहां तक उसके चारों तरफ अप्रत्यक्ष रूप से 50 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से 25 करोड़ लोग। अगर उनके लिए वो नदी अगर जिंदा रहती है, हमेशा अगर उसे पुनर्जीवन मिलता रहता है, तो 50 करोड़ लोगों के अंदर वो चेतना बनी रहती, उसे बचाने की चेतना, नदी को बचाने की चेतना। वैधानिक व्यक्ति का दर्जा देने का मतलब ये हो गया कि हमने उसमें जीवन को माना है, चेतन अवस्था की खोज की है उस नदी में। केवल वो एक नदी नहीं है कि उसे अब खत्म कर दिया जाए। राष्ट्रीय चेतना को मैं इस नजर से देखता हूं कि राष्ट्रीय चेतना अपने स्वरूप में परिवर्तित हो गई है, बस। दूसरी चीज, अगर राष्ट्रीय चेतना को हम समझना चाहते हैं तो प्रेमचंद की बहुत बातें हुई, प्रेमचंद की 4-5 चीजें हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय चेतना की समझ तब आएगी जब उसकी वैयक्तिक चेतना इतनी प्रखर होगी
कि वो अपने समाज या दुनिया भर में हो रहे क्रियाकलापों से कुछ पकड़ सके, कुछ समझ सके। जैसे उनकी 3-4 टिप्पणियां हैं, सोवियत रूस में प्रकाशन, रूसी साहित्य और हिंदी, अमेरिका में कृषक विद्रोह, हिटलर की तानाशाही और आतंकवाद का उन्मूलन, ये सारे सब्जेक्ट जो विश्व भर में चल रहे थे, जो भी घटनाक्रम घटित हो रहे थे, उसके द्वारा प्रेमचंद ने कुछ विषयों को पकड़ा और उसके अनुसार उनकी वैयक्तिक चेतना का निर्माण हुआ। इस वैयक्तिक चेतना में आगे वो 1936 में हंस में ही एक उनकी लेख आता है महाजनी सभ्यता, उसमें वो एक लाइन कोट करते हैं जिसमें उनकी क्रांतिकारी चेतना दिखाई देती है। जैसे वैयक्तिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना और उसके बाद क्रांतिकारी चेतना। उसमें वो लिखते हैं, बड़ा हिस्सा तो मरने और खपने वालों का है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, इससे राष्ट्रीय चेतना का जो स्वरूप अभी है वर्तमान में, जैसे हम लोग जो कह रहे हैं खत्म हो गई है राष्ट्रीय चेतना, खत्म नहीं हुई है, वो बहुत प्रखर रूप में है हमारे सामने। उसका स्वरूप जो अंतर हुआ है उसे समझिएगा, बड़ा हिस्सा तो मरने और खपने वालों का है और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को अपने बस में किए हुए हैं। उन्हें इस बड़े भाग के साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं, जरा भी रू रियायत नहीं। उसका अस्तित्व केवल इसलिए है कि अपने मालिकों के लिए पसीना बहाए, खून गिराए और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से विदा हो जाए। समझ रहे हैं बात? 80% जो जनता है, जिसपे 10-20% लोग पूरे धन वाले जो शोषक वर्ग है, वो जो शोषित कर रहा है, उसके प्रति एक ऐसे ऐसे विरोध की भावना जिससे हम भी सामाजिक स्तर पर बराबरी के भाव में आ सकें, ये राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप इस समय निर्मित हो रहा है। इस राष्ट्रीय चेतना को पहचानने की जरूरत है। गुरुवर बरदास जी पांडे सर, उन्होंने बताया, मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ और मतलब पितृवत स्नेह मिला है मुझको उनका, तो जो भी समझ अपनी मेरी जो डेवलप हुई है, विकसित हुई है, पंकज सर, बरदास पांडे सर या जो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे हैं, उनके द्वारा निर्मित मेरी हुई है। सर ने कहा कि निरंकुश शक्तियां, और 1975 का उदाहरण दिया आपातकाल का, जब जयप्रकाश नारायण ने उनका नेतृत्व किया था और हुआ था, जो निरंकुश शक्तियां मेरे देश के अंदर है वो 47 के बाद पैदा हुई है। जैसे जितेंद्र मिश्र सर ने कहा कि जान की जगह पे गोविंद आकर बैठ जाए, मतलब हमने पूरा टोटली काम वही किया है, केवल ब्रिटिश सत्ता, अब हम गुलाम नहीं है, अब हम अपने देश में है लेकिन अपने लोगों के ही द्वारा शोषित हो रहे हैं। इस शोषण के विरुद्ध अगर हमारे अंदर कोई समझ पैदा होती है, हमारा कुछ एक भाव आता है कि उनके लिए जो शोषित हो रहे हैं उनके लिए कुछ किया जाए, ये राष्ट्रीय चेतना है। ठीक, तो राष्ट्रीय चेतना बहुत प्रखर रूप में अभी भी मौजूद है। चूंकि ये धन्यवाद ज्ञापन देना है तो बहुत बोलने के लिए बहुत है, लेकिन एक मैडम याद आया, देख रही हैं तो मैडम की बात, मैडम ने 1947 के बाद इनको महिला साहित्यकारों को जो वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, इनकी बात से मैं सहमत हो सकता हूँ। आज भी वही स्थिति है, महिला साहित्यकारों को बहुत उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। पूरे महिला साहित्यकारों को ही क्यों, अपने घर में अगर हम लोग देखते हैं तो जो घरेलू हिंसा कानून उन्होंने आया, ये इसी का प्रतिफल है कि हमने घर में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया है। इसी को लेकर डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एक्ट आता है। मैडम ने उसके बाद 47 के बाद जब कहा कि प्रवासी साहित्य का जिक्र किया, मैडम मैं प्रवासी साहित्य को जरा दूसरे रूप में देखता हूँ। आपने प्रवासी साहित्य को कहा कि तेजिंदर शर्मा का नाम लिया, मैं तेजिंदर शर्मा जब आए थे विश्वविद्यालय में तो मैं उनसे मिला हुआ था, उन लोगों के साहित्य में मैडम ने राष्ट्रीय चेतना दिखाया। लेकिन इस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना की हमें जरूरत नहीं है, मतलब व्यक्तिगत मुझे तो नहीं है, कि आप देश से दूर चले गए कमाने खाने, वहां पे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, वहां पे देश के बारे में सोच रहे हैं, वहां पे देश के बारे में लिख रहे हैं, किया क्या आपने देश के लिए किया क्या? आए एक वक्तव्य दिए, वो भी TA लिए, उसके बाद चले गए, इसके अलावा आपने कुछ किया नहीं। देशभक्ति या राष्ट्रीय चेतना क्या होगी? जब आप शब्द और कर्म के माध्यम से अपने देश में आइए, अपने देश के लोगों के लिए कुछ कीजिए, वहां के जो गरीब तबका है, जिसे मजदूर है, किसान है, दलित है, आदिवासी है, स्त्री है, जो मैडम ने सबसे ज्यादा स्त्री के बारे में उठाया, उनके लिए आपने क्या किया वास्तविक धरातल पे आके? मैं अभी एक और उदाहरण दूंगा समकालीन संदर्भों से। इरोम शर्मिला आप लोग की क्षेत्र की हैं, कई लोग मणिपुर से होंगे या नॉर्थ ईस्ट से तो है ही, ये तो मैं जान रहा हूं, मणिपुर से कौन है ये मैं नहीं जानता। इरोम शर्मिला ने चुनाव लड़ा, 90 वोट पाई है। उन्होंने क्या किया, एक कानून जो है उस कानून के खिलाफ 16 सालों से अनशन किया है, व्यक्तिगत स्तर पे, कोई सामूहिक अनशन नहीं था, व्यक्तिगत अनशन था। आप उस 16 सालों के जगह पे गई रहती समाज में, जैसे गांधी ने किया, गांधी का जब 1920 में आते हैं चंपारण का जो होता है 17 में,
उसके बाद अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ जब वो अपना एक आंदोलन जारी करते हैं, उसके बाद 20 में असहयोग आंदोलन करते हैं, उसमें बहुत फेल हो जाते हैं, वापस ले लिया जाता है और असफल हो जाते हैं। तब उनके अंदर एक समझ आती है कि मैं जब तक 80% जनता को, जिसमें महिलाएं भी हैं, दलित भी हैं, किसान भी हैं, उनको नहीं लूंगा, तब तक देश की आजादी का जो स्वप्न हम लोग देख रहे हैं वह हमारे सामने साकार रूप में नहीं आ पाएगा। इसी के लिए वो गांव गांव निकलते हैं, कपड़ों का परित्याग करते हैं और गांव गांव सबके साथ घूमते हुए हरिजनों को मंदिर से ले जाने से लेकर शराब उन्मूलन, स्वदेशी जागरण या जितने ये कार्यक्रम है रचनात्मक, उनमें अपनी ऊर्जा को, ऊर्जा का निवेश करते हैं। हमें यही समझने की जरूरत है, इरोम शर्मिला हारी इसलिए कि वो व्यक्तिगत एक रूम में बंद हो गई। उनको विद्रोह या विरोध जो भी करना है आपको अपने तरीके से कीजिए। बहुत असमानताएं हैं, बहुत विषमताएं हैं, बहुत सारी दुर्व्यवस्थाएं फैली हुई है। उनका विरोध करने का स्तर ये होना चाहिए कि अब जमीन पे जाइए, उन लोगों के लिए लड़िए, उन लोगों के साथ अपना समय व्यतीत कीजिए। ये नहीं कि मैं एसी रूम में बैठकर लिखने लगूं और हो गया मेरा काम। ठीक, मुझे कुल मिला के कहने का ये मतलब है, शब्द और कर्म की जो एकता है वो जब तक नहीं होगी तो लिखने से कुछ नहीं होने वाला। और राष्ट्रीय चेतना बहुत सारे चीजों में हमें दिखाई दे रही है, बस हमारे देखने का जो नजरिया है वो बदल गया है। नजरिए को जरा सा क्लियर करना है, स्पष्ट करना है, हमें राष्ट्रीय चेतना दिखाई देने लगेगी। अभी जब यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे कुमार पंकज सर संस्मरण सुनाने में बहुत ही, मतलब ऐसा संस्मरण सर सुनाते हैं जैसे लगता है जीवंत हम लोग के सामने उपस्थित हो गया। सर को मैंने कई बार सुना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, सर को मतलब संस्मरण के लिए भी बहुत खासा जाना जाता है कि इनके जो संस्मरण होते हैं, जो किसी मतलब पूर्व लेखक या पूर्व किसी मतलब किसी व्यक्ति के बारे में होते हैं, वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि हम लोग उससे मतलब हूबहू लगता है रूबरू हो रहे हैं उस व्यक्ति से। तो सर को सुनते हुए भी चेतना का, हम लोग के व्यक्तिगत चेतना का निर्माण हुआ है। तो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर कुमार पंकज, जो इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कला संकाय अध्यक्ष हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो हम लोग के कहने पे आए और इस कार्यक्रम को एक गति प्रदान की और हमारी जो समझ थी उस समझ को कुछ विस्तार देने में मदद की। दूसरे पूर्व विभाग अध्यक्ष हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर बलराज पांडे सर, इनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे गुरु रहे हैं और एकदम पितृवत स्नेह रहा है, तो इनको अब क्या धन्यवाद ज्ञापन देना। तीसरे मेरे, उसके बाद मुख्य अतिथि प्रख्यात लेखिका निर्जा माधव जी, आपको बधाई हो मैडम, एनबीटी का मतलब ट्रस्टी आप बनी है, आपको बहुत कोटि से बधाई। और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जितेंद्र नाथ मिश्र सर, बापूराम त्रिपाठी सर, और सामने बैठी हूँ सुचिका मैम, अनुराग सर, अरविंद सर, प्रोफेसर राम सर, आर एन मिश्रा सर, नवीन सर और जसमीत सर, सबको और सबसे ज्यादा इन बच्चों को, जो मतलब अभी तक बच्चे क्या मतलब छात्र, जो अभी तक बहुत धैर्य पूर्वक आप लोग बैठे रहे और हम लोग को सुना आप लोगों ने, 3-4 घंटे का जो बोझिल काम था, मुझे मालूम है कि कितनी समझ में आ रही होगी बातें और कितनी नहीं आ रही होंगी, लेकिन उसके बाद भी बैठना बहुत ही साहस का काम था, इसके लिए मैं सबसे ज्यादा आप लोग का आभारी हूँ। धन्यवाद।